हेलो माय मंचीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल मेन्यू। आज हम बनाएंगे राजस्थानी स्पेशल दाल ढोकली। मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी और चटपटी भी है। इसे आज हम कुकर में बनाएंगे, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही आसानी से बनाना। तो जल्दी से इस रेसिपी को लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें और स्पेशल मेन्यू को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी हिट कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं ये ढोकली को बनाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ढोकली। तो उसके लिए हम ले लेंगे 2 कप आटा, 1 कप बेसन, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1/2 टीस्पून हींग और 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे ताकि ये जो ढोकलियां बने बहुत ही सॉफ्ट बने। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इस आटे को ऐसे बाइंड करके देखेंगे। अगर ये बाइंड हो रहा है दैट मीन्स ये आटा बिल्कुल परफेक्ट है। अब धीरे धीरे पानी का यूज करके हम इसका रोटी बनाने के लिए जैसे आटा बनाते हैं उस तरह का आटा बना लेंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और ये ढोकलियां अच्छे से नहीं बनेंगी। थोड़ा सा ऑयल का यूज करेंगे और फिर से इसे नीड कर लेंगे इस आटे को, ताकि ये आटा बहुत ही सॉफ्ट रहे जब हम इसकी ढोकलियां बनाएं। अब आप इसे प्रेस करके देखिएगा तो ये आटा ना ही ज्यादा हार्ड है ना ही ज्यादा सॉफ्ट। अब इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए सेपरेट रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसी आटे से बनाएंगे छोटी छोटी ढोकलियां। तो इस आटे को मैं ऐसे रोल कर लूंगी, फिर इस आटे के बहुत ही छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। अब हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये हमारे हाथों में स्टिक ना हो। अब एक एक बॉल को लेकर अच्छे से रोल कर लेंगे, पाम के बीच में प्रेस कर देंगे और देखिए ये कितनी थिक है, बस ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बीच में ऐसे होल कर देंगे, उससे ये पूरी तरह से कुक हो जाएगी। तो ऐसे करके मैं सभी ढोकलियां बना लूंगी। तो इस आटे से अप्रोक्सीमेटली मैं 40 ढोकली आराम से बना सकती हूँ। तो अब हम इन ढोकलियों को सेपरेट रख देते हैं और अब हम इसके लिए बनाते हैं एक अच्छी सी चटपटी सी दाल। उसके लिए हम ले लेंगे 1.5 कप मूंग स्प्लिट दाल और 1/2 कप चना दाल। अब इन दोनों को मिक्स करके मैं पानी में 15 से 20 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख दूंगी। सोक करने के बाद इसे हम डाल देंगे कुकर के अंदर और फिर इसमें हम डालेंगे 4 कप पानी। एक टीस्पून हल्दी और 3 टीस्पून सॉल्ट। नमक चाहे अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें एक बॉईल आने तक का वेट करेंगे हम। तो जैसे ही बॉईल आ जाए इसमें हम अपनी छोटी छोटी मिनी वाली ढोकलियां डाल देंगे। एक एक करके डालेंगे ताकि ये एक दूसरे से स्टिक ना हो। कुकर की लिड लगाकर हम कुकर की 5 विसल ले लेंगे। तो जब तक कुकर की विसल आती हैं, हम दूसरी गैस पे हम इसका एक बहुत ही टेस्टी सा चटपटा सा छौंक बनाते हैं, जिसके लिए एक छोटी सी कढ़ाई में आप डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। घी का फ्लेवर राजस्थानी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ी सी हींग, एक टीस्पून राई, चाहे तो आप जीरा भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही राई स्प्लैटर होने लग जाए फ्लेम को कर देंगे बंद
और आधी टीस्पून हल्दी, एक टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और डाल देंगे थोड़ा सा पानी, मैक्सिमम एक टेबलस्पून पानी। इसमें हम डाल देंगे एक टेबलस्पून धनिया पाउडर भी। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को कर देंगे ऑन और इसमें एक बॉईल आने तक का वेट करें, फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं हमारे कुकर की तरफ। तो कुकर की सारी विसल्स निकल चुकी हैं, अब हम ओपन करके देखेंगे तो हमारी ये दाल ढोकली बिल्कुल रेडी है। अब चेक कैसे करेंगे, तो एक स्पून में एक ढोकली को निकाल लेंगे और स्पून की हेल्प से इसे कट करके देखते हैं। अगर बिल्कुल सॉफ्टली कट हो जाती है दैट मीन्स हमारी ढोकली कुक हो गई है। तो ये देखिए हमारी जो ढोकली है वो परफेक्ट तरीके से कुक भी हो गई है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है हींग की। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा बनाया हुआ चटपटा सा छौंक। छौंक डालने के बाद इसे हम मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से ढोकली के साथ मिक्स हो जाएं। तो है ना ये वन पॉट डिश, बहुत ही आसान है इसे बनाना। ना कोई रोटी बनाने का झंझट, ना ही कोई दाल या सब्जी बनाने का झंझट। तो चलिए अब इसे और चटपटा कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्व कर देती हूँ ये दाल ढोकली जो कि बिल्कुल दाल के साथ अच्छे से मिक्स भी हो गई है। तो अब इसे हम और चटपटा कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ प्याज, अगर आपके पास चाट मसाला हो तो चाट मसाला डाल सकते हैं, नहीं तो लोग इसमें जीरावन करके एक पाउडर आता है वो डालते हैं। ऊपर से डालेंगे खूब सारा घी और थोड़ा सा नींबू डालकर इसे इंजॉय करें। गर्मा गर्म इस मौसम में बहुत ही अच्छी डिश है ये, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और इजी भी। तो ऐसी रेसिपी के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, इस रेसिपी को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। लेट्स मीट इन द न्यू वीडियो विद द न्यू रेसिपी।